दोस्तों, जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम देखने वाले हैं कि कृष्ण भगवान का मेकअप कैसे करना है, और ये मेकअप आप अपने घर में पड़ी हुई चीज़ों से कर सकते हो। तो चलिए स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पल ऑफ द वर्ल्ड में। और सबसे पहले हमें क्या करना है, फेस को क्लीन कर देना है जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं। और मैंने यहाँ पर लिया है प्राइमर, आपके पास जो भी प्राइमर हो आप वो ले सकते हो। और प्राइमर को पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई करना है और इस तरह से रब करना है, लाइक पूरे फेस पर अप्लाई कर देना है। और उसके बाद जो भी हम अपना प्रोडक्ट लगाएंगे वो प्राइमर के बाद ही लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिया है कंसीलर, 2 नंबर कंसीलर है ये। कंसीलर को आपको पूरे फेस पे इस तरह से अप्लाई करना है और लास्ट में देखना कितना ज़्यादा इसका प्रीटी लुक आएगा। और जो लोग कहते हैं ना हमें HD मेकअप नहीं आता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा HD मेकअप का एक लुक देखने को मिलेगा। तो वो देखने के लिए आपको फुल वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी। और जन्माष्टमी आने वाली है, मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए वीडियो बनाई जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हम पगड़ी कैसे बनाएं, मेकअप कैसे करें। बहुत तो ये सारा सॉल्यूशन मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ। यहाँ पे हमें क्या करना है, जस्ट अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो आप नॉर्मली फाउंडेशन वगैरह का यूज़ कर लीजिए जो आपके घर में ही हो। और यहाँ पे हमने क्या करा है, फाउंडेशन लगाया है। देखिए, मैं एक ब्यूटिशियन हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मैं अच्छे से आपको दिखाऊंगी कि प्रॉपर मेकअप किस तरह से करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमें कृष्ण भगवान का मेकअप करना है, तो थोड़ा सा ओवर करते हुए चलेंगे, ओवर सेंस थोड़ा सा वाइट टोन रखेंगे हम, जिससे कि हमारा मेकअप अच्छे से हाईलाइट हो और ये टिकाऊ मेकअप रहे। टिकाऊ सेंस कि आप लॉन्ग टाइम तक इसको रख सको। और जितने फोटोशूट करने हैं, अगर आपको फंक्शन करना है तो भी आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकती हो, क्योंकि ये मेकअप एक बार कर लोगे ना तो कम से कम 6 घंटे तक तो कहीं नहीं जाने वाला। तो यार 6 घंटे में मुझे लगता है आपका पूरा फंक्शन निपट चुका होगा। तो यहाँ पे अब हमने लिया है लूज पाउडर। ओके, तो लूज पाउडर जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आपको अपने स्किन टोन से हल्का सा लाइट कलर रखना है, चाहे वो कंसीलर हो, फाउंडेशन हो या लूज पाउडर हो। यहाँ पे मैंने 3 टाइप की चीज़ें लगाई हैं जो कि आप देख सकते हो। अब हमारा जो ये लूज पाउडर है इसको हम देख लेंगे कि कहीं ज़्यादा कहीं कम तो नहीं हो रहा है। और ये वीडियो में आप बहुत ईजी तरीके से सीखोगे कि किस तरह से आपको प्रॉपर मेकअप करना है। अब देखो, एक जो HD लुक होता है ना, जो ब्लश वाला हल्की सी ग्लोइंग आती है, उसमें आपको इस टाइप का ब्लशर चाहिए होता है। ये ब्लशर बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है और इस ब्लशर से नेचुरल शाइन आता है। तो जब भी आप मेकअप का सोचो, ये ब्लश अपने फेस पे हल्का हल्का कर लो और आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करने लगेगी। तो यहाँ पे देखो किस तरह से हमारी स्किन ग्लो करेगी अभी। गाइस, मैं नॉर्मल फोन से वीडियो बनाती हूँ तो इसलिए हो सकता है आपको उतना अच्छे से क्लियरिटी नहीं नज़र आती है, बट यार आप लोग मेरे एफर्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो और देख सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रगल करती हूँ और आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेके आती रहती हूँ। तो यार थोड़ा सा तो सपोर्ट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए वीडियो को। आप पता नहीं क्यों यार लाइक भी नहीं करते हो और सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि यार जब इंसान मेहनत करता है ना तो उसको सपोर्ट भी करना चाहिए। और इतनी सुंदर वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ तो मुझे लगता है मैं एक लाइक तो डिज़र्व करती हूँ। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, आई शेड बनानी है। जो अभी हमने ब्लश लिया था ना, उसी में से हल्का सा ब्लश लगा के अपने आईज पे लगाएंगे और फिर एक रेड शेड, रेड या मैरून जो भी आपको अच्छा लगता है वो ले लीजिए। और मैंने यहाँ पे एक ही लिया है पिकॉक कलर। पिकॉक कलर मैंने ये बनाया है हल्का सा ग्रीन, और आपका जो आसमानी कलर होता है स्काई ब्लू कलर वो लिया है। तो यहाँ पे हमें इसको अच्छे से मिक्स कर देना। और यहाँ पे मैंने कॉटन की मदद से जो हमारा एक्स्ट्रा आई शेडो आ गया था फेस पे उसको हमने रिमूव किया है इस तरह से। अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा में हल्का सा आई शेड लगाएंगे जिससे कि आईज जो है वो अट्रैक्टिव नज़र आए। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने अपने जो आईज का कलर है, आई शेड का कलर पिकॉक कलर रखा है। इसी के साथ हम आईब्रोज सेट कर लेंगे। आईब्रोज में यार कैमरा ऑफ हो गया था, सॉरी, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे मैंने जब आईब्रो सेट कर लिए हैं, इसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ ताकि ये प्रॉपर ब्लेंडिंग हो पाए। और इस तरह से आपको ब्लेंड करना होता है, जो आपके मश्कारा वाला ब्रश होता है ना, मश्कारा ब्रश जिसे कहते हैं, उसका यूज़ करना है और इस तरह से आपको अप्लाई करना है। देखो यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ लाइनर। देखो यहाँ पे ढंग से लाइनर दिख नहीं पा रहा है, लेकिन आपको सिंपली लाइनर लगाना है जैसे कि नॉर्मल लगाते हैं। और जो बाद में कॉर्नर या फिर कह लो चोंच जो निकालते हैं ना, वो हम बाद में निकालेंगे, पहले सबसे पहले ये देख लो। और यहाँ पे मैं लिपस्टिक अप्लाई कर देती हूँ। पहले मैं देख रही हूँ कि जो हमने लाइनर लगाया है उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। और लिपस्टिक आपको काफ़ी शेप में लगानी है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पे शेप में लिपस्टिक लगा रही हूँ, काफ़ी अच्छे से लिपस्टिक लगाएंगे।
बनाएंगे और देखो किस तरह से हमें इसको फिल करना होता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो एक प्रॉपर किस तरह से मेकअप किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए और यहाँ से आपको काफ़ी अच्छे से आइडिया भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने इनके लिप्स को अच्छे से फिल कर दिया है और देखो अब बारी आती है हमारे तिलक की, टीके की। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा था तो इसलिए मैंने सोचा जो मेरे पास ये ब्लैकेट्स रिमूवर रखे होता है ना इससे मैंने करा, तो ये बहुत अच्छे से एक ही बार में फिनिशिंग आ गई, कहीं से मोटा कहीं से पतला ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। तो इसके ऊपर मैंने रेड कलर का यूज़ किया और मैं आपको ये बता दूँ ये कोई कुमकुम नहीं है, ये जस्ट वाटर कलर है। अगर आपके पास नहीं है कुमकुम तो आप वाटर कलर का यूज़ कर सकते हो, इससे बहुत प्रीटी लुक आता है और देखो एकदम कुमकुम जैसा काम करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपने क्या लगाया है। अब यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर से इसको अच्छे से डेकोरेट किया है। इसके लिए हमने लिपस्टिक ब्रश का यूज़ किया है, अगर आपके पास लिपस्टिक ब्रश नहीं है तो आप पेंटिंग ब्रश ले सकते हो, उससे भी काफ़ी अच्छे से ड्रॉ होता है। तो यहाँ पे हमने इनके फेस को अच्छे से डेकोरेट किया है, ये इस चीज़ से मतलब लगता है ये करना मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये एक आर्ट का ही पार्ट है, तो ये बहुत ही सुंदर लुक आता है इससे। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को ये कहूँगी कि जब भी कृष्ण भगवान का सोचो या फिर माता का सोचो तो ये मतलब कह लो कि आईब्रो को जो डेकोरेट करते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे हम आईब्रो डेकोरेट कर रहे हैं और देखो किस तरह से कर रहे हैं वो भी देख लो, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है और ये डिज़ाइन आप भी बना सकते हो बहुत आसानी से। थोड़ा सा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से करना पड़ता है कि ये कहीं से छोटा बड़ा या अप डाउन इस टाइप से ना हो जाए, कहीं कहीं से ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि डिज़ाइन हम भूल जाते हैं, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। ओके तो यहाँ पे इस तरह से करना है और देखो मैं कितने सिंपल तरीके से कर रही हूँ वो भी देख लो। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने सर्कल बना देना है, कितना प्यारा सा लग रहा है, और एक ये चिन पे ये तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है, तो ये करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब हम क्या करेंगे कि इनके गालों पे भी एक सर्कल बना देते हैं जिससे बहुत क्यूट लगेंगे और जिससे ये असली वाले कान्हा जी लगेंगे, ठीक है। तो मैंने जैसा कि आप सभी लोगों को बोला था कि यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना वीडियो को, क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कुछ नया सीख सको, मज़ेदार सीख सको और अपने ऊपर अप्लाई कर सको, ताकि आपको लोग बोलें कि भाई कहाँ से सीखा है, इतना सारा आता है आपको। तो यहाँ पे भी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि किस तरह से कृष्ण भगवान का मेकअप किया जाता है। इसी के साथ हम यहाँ पे करेंगे इनके हेयर को कवर, तो हेयर लगा देते हैं, एक्सटेंशन वाले हेयर हैं ये जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ, जो हमारे पास कर्ल्स हैं तो ये थोड़े ख़राब हो गए थे, मैंने इसको यहाँ पे यूज़ में लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि इनके हेयर लगा दिए मैंने, क्लिप कर दिए हैं और इसके बाद हमें मेन जो काम होता है वो होता है पगड़ी। देखो अब जो मैं पगड़ी बनाने वाली हूँ ना, ये नॉर्मली चुन्नियों से पगड़ी है और मेरे घर में कुछ कतरन टाइप में पड़ी थी तो मैंने उनको फोल्ड कर लिया, जैसे ये जो ब्लू वाली लाइनिंग देख रहे हो ना आप पगड़ी में, ये एक ऐसी वेस्टेज कपड़ा है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि येलो चुन्नी ले ली है, आपके घर में चुन्नी हो साड़ी हो उससे भी आप बना सकते हो, बहुत अच्छी पगड़ी बनती है। तो यहाँ से आपकी पगड़ी जो है इसमें रंग बिरंगा लुक आ जाएगा और बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लगेगा। तो इस तरह से आपको पगड़ी बनानी है, कुछ नहीं करना, जस्ट सिंपली आपको इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से इसको राउंड करते हुए चलना है। ओके तो जैसे कि मैं राउंड करती हुई चल रही हूँ इसी तरह से आपको करना है और देख लो किस तरह से करते हैं, हल्का सा आपको फोल्ड करते हुए चलना है। और इनको थोड़ा सा नोज़ पे भी इचिंग हो रही थी तो मैंने कहा ये ब्रश से इच कर लो। तो यहाँ पे देखो इस तरह से हमने येलो दुपट्टा लिया और उसका यूज़ इस तरह से किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको ब्लू वाला कपड़ा कहा था ना, ये जो ब्लू वाला कपड़ा है ये कपड़ा ही है जस्ट, ये कोई चुन्नी वगैरह नहीं है और इसका यूज़ हमने यहाँ पर लिया है। तो इससे आपकी बहुत ही खूबसूरत जो पगड़ी है वो तैयार हो जाएगी। अब देखो कितने अच्छे से ये तैयार हो चुके हैं। अब बारी आती है इनको कपड़े पहनाने की, तो अब मैं यहाँ पे कपड़े भी यार हमारे पास नहीं है तो मैंने क्या करा कि मेरे पास एक येलो कलर का एक कपड़ा पड़ा था
तो वो कपड़े से हमने इनके कपड़े बनाए हैं। देखो मैं भी आपको दिखाती हूँ। पहले मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इनके झुमके वगैरह का भी कुछ हो जाए, जिससे कि इनके कान थोड़े खाली खाली लगे, तो मैंने यहाँ पे इनको झुमके बना दिए, पगड़ी डेकोरेट कर दी इस तरह से। तो आपके पास जो भी फ्लावर्स वगैरह हों वो सब यहाँ पे आप लगा सकते हो, और इससे आपके जो कान्हा जी हैं उनका बहुत प्रीटी लुक आएगा। अभी देखो इनकी जो आईलैशेस है वो हल्की हल्की सी छूट भी नहीं दी, तो मैंने यहाँ पे इनको आईलैशेस लगा दिए प्रॉपर। ऐसे चिपकाई नहीं है कि ग्लू से चिपकाई हो, बट यहाँ पे हमने सिंपली ऐसी थोड़ी देर के लिए कर दिया है जिससे कि हमारा वीडियो बन सके। और अगर आप फाइनल फंक्शन के लिए जा रहे हो पार्टिसिपेट करने, तो आपको अच्छे से ग्लू का यूज़ करना है। और यहाँ पे हमारे ये कान्हा जी तैयार हो गए। गाइज मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, ये जो बांसुरी है ना, हमारे पास बांसुरी नहीं थी, तो मैंने एक पेपर फोल्ड किया और उसके ऊपर लेस को लगा दिया, तो इस तरह से हमारी बांसुरी भी तैयार हो गई। और जैसे कि मैंने ये येलो कपड़े का बताया था, ये भी आप देख सकते हो। अब बताना आप कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और कितना सीखा आपने, कितना मज़ा आया, वो सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हैप्पी जन्माष्टमी गाइस, आप सब लोग हैप्पी रहो, बहुत मज़े से रहो, और राधे राधे। सभी लोग यहाँ के मेकअप से कुछ सीखे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप सभी लोगों को मिलती रहे। यहाँ पे हमारे कान्हा जी बहुत ही ज़्यादा, क्या ही बोलूँ इस चीज़ में, तो आप ही बोल रहा, जो भी कॉमेंट करना आप करना। और यहाँ पर इनकी हल्की सी आईलैश निकल रही थी, तो मैंने यहाँ पे आईलैशेस भी चिपकाई। तो देख लो यार, बच्चों के साथ बहुत मज़ा आता है, और आपके बच्चे कैसी एक्टिविटी करते हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर। और ये फोटोज़ जो हैं वो देखो और मुझे बताओ कैसा लगा। तो आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।